धर्म स्नेही बंधुओं, आप जीव हैं कि अजीव? जोर से बोलो, कौन कौन जीव है हाथ उठाकर बताओ। पड़ोसी को मत देखना, पता हो तो उठाना, नहीं हो तो मत उठाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जीव हो तो उठाना, नहीं हो तो मत उठाना। ये तीन चार लड़कियां बैठी है, जीव नहीं है, है क्या? आप भी जीव नहीं है ना? अरे बोलो ना, जीव नहीं है ना? तो आपने तो हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं। हम जीव हैं कि नहीं पता नहीं है ना? चश्मा वाली बहन जी जीव है? अच्छा, आप लोग यहाँ तो टोटल जीव हैं, यहाँ तो कुछ अजीब मिल गए मुझे, यहाँ तो टोटल पूरे जीव हैं। बहुत अच्छा, आपको मालूम है कि आप जीव हैं, आपको मालूम है कि आप जीव हैं। अब दूसरा प्रश्न, आप जीव से प्रेम करते हैं कि अजीब से? जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा। जब हम पिछले जन्म में कहीं थे वहां भी जी रहे थे, यहाँ हैं यहाँ भी जी रहे हैं, आगे कहीं और जाएंगे वहां भी जिएंगे। तो जीव का लक्षण है जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। अब आप तो हो गए जीव, जो ना जीता है, ना जीता था, ना जिएगा, वो हो गया अजीव, ठीक है ना? तो आप प्रेम किससे करते हैं, जीव से कि अजीव से? बड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है। ये हम कर क्या रहे हैं, ये भूल हम कर कैसे रहे हैं? जोर से बोलिए, आप किससे प्रेम करते हैं? अच्छा अच्छा उत्तर सही आ गया, करना तो जीव से चाहिए मगर करते अजीव से हैं। करना जीव से चाहिए मगर करते अजीव से हैं। अब हम अजीव में संसार की कितनी वस्तुओं को लेते हैं? सारी भौतिक वस्तुएं हो गई, घर मकान दुकान है, जितना जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो सारा अजीव है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है वो जीव है। जीव कभी आंखों से नजर आने वाली चीज नहीं है, उसको तो ज्ञान की आंखों से ही देख सकते हैं। कौन सी आंखें? ज्ञान की आंखें, जो महसूस करती हैं। अब कैसे महसूस होगा कि जीव है कि नहीं? अब एक गाय को डंडा मारो, क्या होगा? गाय भागेगी कि नहीं भागेगी? भागेगी ना, डंडा मारना तो दूर, डंडा देख के ही भागने लगेगी, मतलब वो जीव है, बचने का प्रयास कर रही है, उसके अंदर चेतना है ना? अच्छा, एक खंबे को डंडा मारो, वो भागेगा क्या? क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि वो अजीव है। इसका मतलब वो महसूस करने की ताकत किसके अंदर है? जीव के अंदर है, और अजीव के अंदर महसूस करने की ताकत नहीं है। अब आप प्रेम किससे करती हो, सच बताना, तुम्हारा प्रेम किसके साथ है? अजीव के साथ है। जीव से प्रेम कर लो तो कल्याण हो जाए, अजीब से प्रेम हो रहा है, अजीब से तो हो ही नहीं रहा है। तुम कहोगी नहीं नहीं, हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चों से नहीं करती, बच्चों के शरीर से करती हो। अभी शरीर बदल जाए और उसकी आत्मा किसी और घर में पहुंच जाए, तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा। यदि आत्मा से प्रेम होगा तो इस जन्म में भी रहेगा, और वो कहीं जन्म ले ले वहां भी प्रेम रहेगा। लेकिन नहीं, जब तक वो इस शरीर में है तब तक तुम्हारा प्रेम है, और शरीर बदल जाएगा तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा। एक नहीं पचासों उदाहरण है ऐसे, जो हमारा था वो तो चला गया। कई बार किसी को पिछले जन्म की याद आ जाती है। एक घटना है कि बच्चे को पिछले जन्म की याद आ गई, और जब याद आई तो वो जब थोड़ा सा जैसे जरा सा होश संभाला, वो अपनी मम्मी का नाम बताता, पापा का नाम बताता, पत्नी का नाम बताता, मेरे बैंक में इतना बैलेंस, इतना पैसा है वो बताता, मेरे इतने बच्चे हैं वो बताता, वो सारी बात बताता।
अब हुआ यूं कि वो कहता कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके घर ले चलो, लेकिन वो माँ कहती कि हम तो गरीब परिवार में हैं और वो अमीर परिवार के हैं, वो ये कहेंगे कि तुम सिखा के लाए हो, और कहीं ऐसा हुआ तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, तो वो नहीं ले गए। एक दिन बच्चा इतना रोया, चुप ही नहीं हुआ, आखिर ले जाना पड़ा। और जैसे ही वो बच्चा वहाँ पहुँचा तो वो माँ से लिपट गया, बच्चों को प्यार से बोलने लगा, उनका नाम पुकारने लगा, सारी चीज़ें कि वो टंकी में वो सामान रखा है, वो सामान वहाँ रखा, वो सारा बताने लगा। थोड़ी देर तो उन माता पिता को बड़ा प्रेम सा आया, थोड़ी देर के बाद बोलते हैं जो हमारा था वो तो चला गया। किससे प्रेम करते हो? बच्चे के आत्मा से या शरीर से? शरीर से प्रेम करते हो, वो भी अजीब है। तुम्हारा शरीर तुम अपने आप से प्रेम करते हो कि नहीं? ये आईना बार बार झांक के किस लिए देखते हो? ये बालों में डाई किस लिए करते हो? ये चेहरे पर क्रीम पाउडर क्यों लगाते हो? किससे प्रेम करते हो? आत्मा से। आत्मा से प्रेम करते तो आत्मा को सजाओ, और आत्मा की सजावट धर्म से होती है, आत्मा की सजावट त्याग से होती है, आत्मा की सजावट उपवास व्रत संयम से होती है। शरीर को सजाने की जरूरत नहीं यदि आत्मा से प्रेम हो। तुम अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हो, तुम दूसरे की आत्मा से क्या प्रेम करोगे? और जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करता है वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? जब उसे आत्मा ही का नहीं पता है, जो अपनी आत्मा को ही नहीं जान पा रहा है वो परमात्मा को क्या जानेगा? इस संसार में केवल अजीब और पुद्गल के साथ ही जी रहे हैं, सुबह से शाम तक अजीव और पुद्गल की ही कीमत करते हैं। हमारे पास में जीव की कीमत है ही नहीं है। और धर्म क्या सिखाता है? वो जीव की कीमत करना सिखाता है। धर्म ये कहता है कि तुम बाहर का रंग रूप मत देखो, धर्म ये कहता है तुम उसकी आत्मा को देखो। बंधुओं, एक सांप यदि सामने दिख जाए लोग मार देते हैं, एक सांप यदि घर में घुस जाए लोग उसे मार देते हैं, और रबड़ और प्लास्टिक के सांप घर में खरीद के लाते हैं। बताइए ऐसा है कि नहीं है? हैं? यदि सांप घर में घुस जाए उसे मार देते हैं। प्लास्टिक अजीब वाला सांप है, वो सच में जो सांप है जिसके अंदर आत्मा है उसे तो मार दिया। जो सांप आपने शंकर जी को देखा होगा उनके गले में लिपटा रहता है, उस सांप की वहां जाके लोग पूजा करते हैं, और यदि घर में निकल जाए उसे मार देते हैं। जब आप भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार करते हैं तो सांप को भी बड़े प्यार से देखते हैं। देखते हो नहीं देखते हो? भगवान के साथ साथ सांप भी नजर आता है, सिर पे फण लगा हुआ है, नीचे फण लगा हुआ है, और वही सांप यदि घर में निकल जाए तो क्या करोगे? कोशिश तो यही रहती है मार दो, नहीं नहीं मारना नहीं चाहिए, फिर धीरे से धर्म याद आता है, नहीं मारना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जीव की कीमत नहीं अजीब की कीमत है। जो घर में साक्षात चूहे हैं उन्हें तो भगाने का प्रयास करते हो, कुछ लोग तो गोलियां बना बना के डाल देते, मर जाते हैं चूहे, और नकली चूहे घर में बच्चों को खेलने के लिए लेके आते हो। मतलब तुम्हें जीव पसंद नहीं है, तुम अपनी जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता अपने जाते भाई को देख के भौंकता है, अरे बोलो ना, हाँ भौंकता है ना। तो एक तो हो गई जीव, तो जीव और जीव की जाति, और अजीव की जाति, दो जाति हो गई ना, जीव और जीव की जाति और अजीव और अजीव की जाति। तुम अपने जाति भाई से प्रेम करते हो नहीं करते हो? कहना हम अपने ही से प्रेम नहीं करते हैं, हम दूसरों से क्या प्रेम करेंगे? जब आदमी मर जाता है तो लोग कंधा देने के लिए जाते हैं, क्या देने जाते हैं? कंधा देने के लिए जाते हैं, कंधा देते हैं, और बड़ा पुण्य समझते हैं, अरे कंधा देना चाहिए। और वो यदि जिंदा हो, बोलो, यदि उसको कंधे की जरूरत है फिर दोगे क्या? हैं? यदि उसे तुम्हारे कंधे की जरूरत पड़ेगी तब दोगे क्या? नहीं, जब जिंदा है तब नहीं देंगे, मर जाएगा उसके बाद कंधा देने हम जरूर चले जाएंगे। इसी तरह से जब ईसा मसीह जिंदा थे तो लोगों ने उन्हें सूली पर लटका दिया, ईसा मसीह जब जिंदा थे तो लोगों ने उन्हें सूली पर लटका दिया, और जब मर गए तो उन्हें गले में लटका लिया। ये है संसार की कहानी,
ये जीव से नहीं अजीब से प्रेम करता है, ये धर्म यही दृष्टि देता है, अजीब से नहीं जीव से प्रेम करो। बंधुओं गुस्सा करते हैं सब, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुस्सा होता है कि जैसे आपको अपने बच्चे को सुधारना है, किसी को भी सुधारने के उद्देश्य से किया जाए, वो आपका सात्विक गुस्सा है, क्योंकि आपका उद्देश्य गलत नहीं है, आपका उद्देश्य सही है। दूसरा गुस्सा होता है राजसिक। राजसिक गुस्सा में अपना दिखावा, कुछ दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी समझो। जब तुम बच्चे की नहीं सुनते हो तो छोटा सा बच्चा भी गुस्सा करने लगता है। राजसिक गुस्सा अपना दिखावा करने के लिए किया जाए। और तामसिक गुस्सा जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए किया जाए, वो तामसिक गुस्सा है। तो जब आप गुस्सा करते हो ना, तो ये ध्यान रखा करो कि कौन सा वाला गुस्सा कर रहे हैं। मैंने आपको थर्मामीटर दे दिया है, आप थर्मामीटर लगा लिया करो और देख लिया करो कि आप कौन सा वाला गुस्सा कर रहे हो। यदि आप सात्विक गुस्सा कर रहे हो तो आपके कर्मों का बंध कम हो रहा है, राजसिक कर रहे हो उससे ज्यादा हो रहा है, और तामसिक कर रहे हो नरक जाने वाले के लक्षण है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से संसार में आए हो। अभी पढ़ा था मैंने कि बचपन में प्रेम मुक्त मिलता है, चाहे जो खिला लेता है, बहुत सुंदर लग रहा, अरे बड़ा क्यूट सा है, बड़ा क्यूट सा, यूं बोलते, इतनी तारीफ करते हैं बच्चे की, बड़ा सुंदर, उसको देख के मुस्कुरा देते हैं, अपना नहीं होगा तो भी खिला लेते हैं। बचपन में प्रेम मुक्त मिलता है, जवानी में प्रेम कमाने से मिलता है, मेहनत से मिलता है। जिन जिन का स्वार्थ पूरा हो रहा है वो प्रेम करते हैं, और स्वार्थ पूरा ना हो तो प्रेम नहीं करते हैं। और बुढ़ापे में प्रेम मांगने से मिलता है। और जीव तीनों में है, ऐसा नहीं कि जीव बचपन में ज्यादा हो गया, कि बचपन में बहुत बड़ा वाला जीव था, उससे थोड़े से बड़े हुए तो थोड़ा छोटा जीव हो गया, बुढ़ापे में बिल्कुल जीव कम हो गया, ऐसा नहीं है। जीव बचपन में भी था, जीव जवानी में भी, और जीव बुढ़ापे में भी, जीव में कहीं कोई कमी नहीं आई है। मगर जो ऊपर का पुद्गल बचपन में था वो तुम्हें अच्छा लग रहा था, जो जवानी का पुद्गल था वो थोड़ा उससे कम अच्छा लग रहा था, और जो बुढ़ापे का पुद्गल है वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए तुम्हारा प्रेम पुद्गल के हिसाब से चलता है, अजीब के हिसाब से चलता है। अब इसको थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करें, हर जीव के अंदर आत्मा देखने की कोशिश करें, चाहे वो चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, हर जीव के अंदर जीव देखने का प्रयास करें, तो जैसा प्रेम भगवान महावीर ने किया था वैसा प्रेम आपको हो जाएगा। और जैसा प्रेम भगवान महावीर ने किया तो वो भगवान बन गए, यदि आप भी ऐसा प्रेम करने लगेंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे। भगवान बनने का कोई बड़ा तरीका नहीं है, हर जीव के अंदर आत्मा देखो और हर जीव के अंदर परमात्मा देखो, बस भगवान बनने का रास्ता यहां से शुरू होता है। खूब उपवास करो, अच्छी बात है, नहीं कर रहे शक्ति नहीं है कोई बात नहीं है। आप खूब ज्यादा पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे दो पूजा करते एक पूजा करते कोई बात नहीं है। लेकिन यदि ये जो थिंकिंग, ये जो विचारधारा आपके मन में आ गई कि सामने वाले में आत्मा है परमात्मा है, और उसकी कीमत शुरू कर दी, यहां से धर्म की शुरुआत हो जाती है। लोग धर्म का पता नहीं हवा बना के रखे हैं, धर्म बहुत बड़ा नहीं है, बड़ी छोटी सी चीज से शुरू होता, बस इतनी सी चीज से शुरू होता है। सबकी आत्मा में परमात्मा देखो, सबकी आत्मा में भगवान देखो, पता नहीं आज जो छोटा है हमसे कलम से बड़ा बन जाए। आज जिसको पर हम गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है वो कलम से बड़ा हो जाए। जिसको हम बड़ा क्षुद्र समझते हैं, हो सकता है वो तुमसे विशाल हो जाए। किसी का कोई भरोसा नहीं है, अहंकार मत करना कि कौन आत्मा कब परमात्मा बन जाए। इसीलिए सबकी आत्मा में परमात्मा देखो, बस भगवान बनने की शुरुआत यहीं से होती है।
तो मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ गई, अब समाप्त करूं। तो ऐसा हो सकता है कि आप नियम ले लो 8 दिन का, कि सबकी आत्मा में परमात्मा देखेंगे, केवल 8 दिन का नियम ले लो, इतनी सी बात बस। इसमें मैं आपका खर्चा भी नहीं करवा रही, इससे कुछ आपका घटने वाला भी नहीं है, बस इतना है, चींटी दिखे तो सोचना ये भी आत्मा है, मच्छर दिखे अरे मारना नहीं इसके अंदर भी आत्मा है, हैं सामने वाले पे गुस्सा आ रहा हो, अरे नहीं इसके अंदर भी आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा पे गुस्सा कैसे करूं। ले सकते हैं ये नियम? कौन कौन ले सकता? 8 दिन के लिए, केवल 8 दिन के लिए। ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम गाड़ी की तो बहुत कदर करते हैं और बहुत बचा बचा के चलते हैं, और सामने वाले के कितने एक्सीडेंट करते हैं। अपनी गाड़ी को तो बचा बचा के चलते हैं, सामने वाले का ठुक जाए तो ठुक जाए, सामने वाले को चोट लग जाए तो लग जाए, मगर अपनी गाड़ी बचनी चाहिए। तो वो इसीलिए नहीं हम सामने वाले को बचाते कि हमें उसकी आत्मा में परमात्मा नजर नहीं आता। और पहली बात, आत्मा में परमात्मा तो बाद में नजर आएगा, पहले जीव को जीवी तो देख लो। सम्यक दर्शन कहाँ से शुरू होता आपको पता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये तो पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। अगला सूत्र है सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सूत्र बड़ा सरल सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, इस सरल से सूत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जिस जो टेढ़े रास्ते पर चल रहा है उसे बहुत कठिन लगेगा। जैसे कि अब इसमें कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व कितने होते हैं? जीव जीवाश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। अब तुम जीव को जीव मानते हो क्या? तुम्हें दिन भर में एक बार अपने जीव की याद आती है क्या? दिन भर में एक बार अपनी आत्मा की याद आती है क्या? नहीं आती ना। तुमने जीव को जीव नहीं माना तो सम्यक दर्शन कहां से होगा? और जब ये श्रद्धान हो जाएगा, दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा, अपने जीव और आत्मा की याद आने लगेगी, बस वहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। दया की शुरुआत कब होती है? जब तुम जीव को जीव मानते हो। दया किस पर आती है? अरे बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही। कब? क्योंकि उसके जीव को पीड़ा हो रही है, उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही है, और तुम्हारे अंदर दया आई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। घट यानी मटका, घट यानी मटका, और घड़ा, और घड़ा यानी शरीर। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक दया को नहीं छोड़ना। यदि दया है तो तुम्हारे अंदर का जीव जागृत है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि तुम्हारे अंदर दया है तो तुम्हारे अंदर का जीव जागृत है, और यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो तुम्हारे अंदर का जीव जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है। इसीलिए जीव को जीव मानना ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है। इतनी सी बात मान सकते हो आप मेरी कि सबको जीव मानो, सबके अंदर सबको देख करके तुम्हें उसकी आत्मा की याद आए। किसी काले आदमी को देख लो, मुंह सिकोड़ लेते हो, और किसी सुंदर आदमी को देखो, बात करने का मन करता है। ये क्या है? क्या है ये? एक छोटी सी लड़की थी, बिल्कुल छोटी सी, तो वो जब हमारे पास आई तो एक संग में माता जी थी, वो गोरी थी, मेरा रंग थोड़ा सा, हाँ देख रहे हैं ना, काला है ना, काला नहीं है, अच्छा सांवला है, अच्छा गोरा है, अरे गोरा तो नहीं कह सकते, सांवला कह सकते हैं, शरीर है, पुद्गल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कर्म किए थे वैसा कलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई कलर हमारे धर्म करने में बाधक नहीं है। दिल आत्मा सफेद होनी चाहिए, शरीर काला हो जाएगा चल जाएगा, आत्मा काली नहीं होनी चाहिए, भाव काले नहीं होने चाहिए। काले भाव वाले नरक जाते हैं और गोरे भाव वाले स्वर्ग जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो शरीर से गोरा है वो स्वर्ग जाएगा,
ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। वो लड़की ना समझ थी, करीब 3-4 साल की होगी, ना समझ लड़की थी, लेकिन उसके अंदर बचपन से पिछले जन्म के संस्कार होंगे। उसकी मम्मी जो थी वो थोड़ी सी सांवली थी और पापा गोरे थे, और उसे काला रंग इतना खराब लगता था, पापा मम्मी को छत से धक्का दे दो, गोरी मम्मी ले आओ। ये नहीं बता रही, तुम भी, तुम्हारे अंदर भी ये बात, उसके अंदर बचपन में ना समझदार है, तुम्हारे अंदर भी कभी ना कभी ये बात पैदा होती होगी, कभी कभी ये भाव उमड़ते होंगे, तुम्हें पता नहीं चलता है। तुम जब ये भाव उमड़ते हैं ना, अपने भावों को तुम पकड़ते नहीं हो कि किस समय तुम्हारे क्या भाव हो रहे हैं, होते हैं इस तरह के भाव। अभी जरा सज के और तैयार होके किसी शादी में चले जाओ, फिर सामने वाला कैसा नजर आता फिर देखना, अपने भावों को पकड़ना, सामने वाला बिल्कुल बेकार नजर आएगा, मैं ही सुंदर हूँ बस, मेरे से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं है। और वहां का जो नौकर वेटर काम करने वाला होगा उसको देख के तो और अभिमान आता, अच्छा उसको ऐसे ऑर्डर चलाएंगे जैसे उसके अंदर आत्मा और जीव है ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अजीब प्राणी हो गया। तो ये बातें बड़ी नॉर्मल हैं, मगर इनके साथ में भाव जुड़े हुए हैं। किसी काले आदमी को, बदसूरत आदमी को देख के दिमाग एकदम से खराब हो जाना, नाक सिकोड़ लेना, किसी को देख करके बड़ी मुस्कुरा देना, ये ठीक है, ये जब तक होता है जब तक होश नहीं आया है, जब तक होश में नहीं जी रहे हैं। और जब होश में जीना शुरू कर दो, कैसे होश में, सबके अंदर जीव है, सबके अंदर जीव है, परमात्मा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है, जब तुम अपने आप को समझाना शुरू कर दोगे, अपने आप का गुरु जागृत कर लोगे, तब तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आएंगे।